So hi everybody, welcome to Byju's Exam Prep Civil Mechanical and XD YouTube channel. So in this video, I'm going to talk about IOCL versus ONGC salary and perks. सिर्फ salary और perks के बारे में हम बात करेंगे. मेरे पास बहुत से students का इस चीज़ को लेकर के doubt आया है. That is the only reason कि मैं सबको individually बताऊं. I'm taking this video, a short video, where I'm going to summarize this particular confusion clearly. So I'll begin with a quick introduction of myself. My name is Joe. पुष्ट सिंह and I have 5+ years of teaching experience now. एमटेक IIT रुड़की से है. आगे बढ़ते हैं सर और बात करते हैं what are the key points that we are going to talk about in today's session. We'll be talking about in-hand salary, perk क्या क्या मिलते हैं आपको, चाहे ONGC हो चाहे IOCL हो, allowances and the facilities. At the end we are going to talk about and we'll be talking about deduction and everything. एक कोटेशन है जो आप सबको पता होना चाहिए, that when I was young, I used to think money was the most important thing in life. जब मैं छोटा था तब मुझे लगता था कि पैसा जो है सबसे जरूरी होता है जिंदगी में. Now that I am old, I know that it is. अब जो कि मैं बड़ा हो चुका हूं तो मुझे पता है कि बिल्कुल सही बात है, मनी इज इम्पोर्टेंट. ठीक है, तो इसीलिए आज ये सेशन भी हम ले रहे हैं. तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ONGC के साथ, IOCL के साथ, माफ कीजिएगा. तो IOCL का दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, बेसिक पे जो है दैट इज 50,000 या स्केल अगर आप देखो तो 50,000 से 1,60,000 इज द पे स्केल ऑफ दिस बेसिक सैलरी, राइट. नॉट जस्ट दिस, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अदर थिंग्स एंड दोज अदर थिंग्स इंक्लूड्स द HRA. सो दिस इज द बेसिक HRA विच इज ऑलवेज देयर एज अ क्लास 1 ऑफिसर जो रहता है. ठीक है, 24% एंड एवरीथिंग दैट इज हाउस रेंट अलाउंस. Apart from this, cafeteria allowance is also provided, which is 17,500. This is for per month, obviously. इसके अलावा अगर हम बात करें तो dearness allowance है, which is 19,000 rupees. Eventually आपको मैं बता दूंगा per month कितना salary आएगा. And conveyance allowances are also provided, which is 8,000 per month for maintenance of the car, and for 1 year it is somewhere around 0.96 lakh. ठीक है सर, ये हो गया एक चीज. अभी नेक्स्ट इज डिडक्शन. सो दीज आर द थिंग्स की जो आपको मिलेगा बट क्या क्या सैलरी में से कटेगा, सो वो भी देख लीजिए. सो प्रोविडेंट फंड तो कटता ही है, PF थोड़ा आप लगाते हो, थोड़ा एम्प्लॉयर लगाता है. इनकम टैक्स विल बी डिडक्टेड एज पर द स्लैब, जो भी स्लैब में आप आते हो. तत्काल सहायता योजना के लिए भी कुछ पैसे जो है आपकी सैलरी से कटेंगे और कुछ मिसलिनियस चीजें होती हैं. बहुत छोटा नॉमिनल अमाउंट होता है, 500-600 रुपए का जो आपका डिडक्ट होता है. सो दीज वर द डिडक्शन. And if I talk about the perk, तो you will be getting 60,000 rupees for every 3 years for the laptop, 20,000 every year for mobile, furniture for IOCL 1,30,000 in every 6 years you will be getting, and free medical for self, spouse and dependent. And apart from this, you also get to you will also get the अपॉर्चुनिटी टू टेक लोन. आपको लोन भी लेने को मिल सकता है, दैट टू ऑन अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, विच इज अ वेरी गुड थिंग इफ आई टॉक अबाउट इन दिस पर्टिकुलर जॉब. Okay, not just this, I'll talk about the promotion and increment. So every year there is a 3% increase in your basic salary irrespective of your performance. आपने कैसा परफॉर्म किया है, नहीं किया है, 3% इंक्रीमेंट तो आपका हर बाशा होगा ही. किस पे? बेसिक सैलरी. रिमेंबर, बाकी सारे अलाउंसेस बेसिक सैलरी का ही परसेंटेज है. तो इवेंचुअली बेसिक सैलरी विल इंक्रीज, एवरीथिंग एल्स विल ऑल्सो इंक्रीज. Every 4 years you will be called for promotional interview. This depends on your performance. If you play your cards right and perform well in interview, you can get 18% of raise. 18% तक का basic pay मिलेगा, which is a very very big amount if we see in hand salary. ये हो गया आपका increment के बारे में. Now final verdict is कि CTC जो रहता है आपका जनरली इन IOCL दैट इज 16,80,000 CTC होता है, और इन हैंड मोटा माटी इज 82,000 रुपीज दैट यू गेट एवरी मंथ 1 तारीख को अपने अकाउंट में. ठीक है, ये आपका इन हैंड सैलरी बनता है. अब बात कर लेते हैं सर अगले जो है ONGC. ONGC जो वहां पे 50,000 था बेसिक, यहाँ पे 60,000 पर मंथ है. तो यहाँ पे 10,000 का अंतर आ जाता है IOCL और ONGC के बीच में. ये तो सेम ही रहेगा, इसमें किसी का कोई है नहीं है, चेंज कर नहीं सकते इसको. कैफेटेरिया अलाउंस इज मोर हियर विच इज 21,000. देन देयर इज दिस डियरनेस अलाउंस विच इज 22,320. अपार्ट फ्रॉम दिस यू हैव दिस ट्रांसपोर्ट अलाउंस, यूनिफॉर्म रिम्बर्समेंट. ये दोनों कंपोनेंट को जोड़ करके 45,193.33 रुपीज. CMRE विच इज 12,740 जो आपका रहने वाला है. एंड इफ आई टॉक अबाउट द डिडक्शन, सो प्रोविडेंट फंड इज देयर, इनकम टैक्स, पीआरबीएस, सीएसएस स्कीम एंड मिसलिनियस में वही 500,000 रुपए कटते हैं। मेजर डिडक्शंस आर ओनली दीज वन। नाउ व्हाट इज द इफ आई से एडिशनल पर्क, सो हेयर एवरी 3 ईयर जो वहां पे 60,000 था, यहाँ पे 1 लाख है लैपटॉप का अलाउंस। वंस इन 2 ईयर 20,000 फॉर मोबाइल फोन। वाइट गुड के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स आते हैं आपके, जैसे रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, इस तरह की जो चीजें हैं, माइक्रोवेव वगैरह, उसके लिए 1,75,000 का अलाउंस यू विल बी गेटिंग एंड फ्री मेडिकल फॉर सेल्फ स्पाउस डिपेंडेंट और 7.5 लाख तक का कार लोन, 40-50 लाख तक का हाउसिंग लोन। सो दीज आर ऑल्सो द थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू गेट इन ओएनजीसी। ओएनजीसी का फाइनल वर्डिक्ट अगर हम बात करें, सो सीटीसी रिमेन्स 20,10,000 बट इन हैंड सैलरी इज 1,10,036। एग्जैक्ट यही अमाउंट है जो आपके, बिल्कुल ये 36 रुपए भी ऊपर नीचे नहीं होंगे। एग्जैक्टली दिस अमाउंट इज गोइंग टू बी क्रेडिटेड इन योर बैंक बैलेंस एवरी ईयर, बैंक अकाउंट एवरी मंथ ऑन 1st of that particular month। ठीक है सर। So these are, I think, the you can say comparison between IOCL and ONGC salaries and perk and facilities. Anyone is interested in any other comparisons, you can let me know in the comment box, and we are going to shortly make the video on it. Right? You can please subscribe this channel and hit the like button to this video, and also share this video with your friends. I'll see you in the next class. Till then, please take care of yourself and your family. Have a nice day. Goodbye.